ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ऑफ जर्नल. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर. यहाँ पर देखो इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर बोला है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर ऊपर लिखा हुआ है नरेंद्र जनरल स्टोर जर्नल एंट्री. यहाँ पर कौन सा ईयर है, ईयर इज 2019. तो मैं क्या करूंगा, डेट के कॉलम में फर्स्ट लाइन में आई विल राइट 2019. देखो आपकी स्क्रीन में आपको दिखता रहेगा, डेट के कॉलम में फर्स्ट लाइन में आई विल राइट 2019. फाइन, ओके. अप्रैल 1, तो नाउ लेट अस सी कि अप्रैल 1 का फर्स्ट ट्रांजैक्शन में व्हाट विल बी माय आंसर. तो अप्रैल 1 में क्या हो रहा है, देखो नरेंद्र कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000. बोलते हैं नरेंद्र नाम का कोई इंसान है, उसने अपना बिजनेस चालू किया विद कैश रुपीज 80,000. अभी ये है ना, आप लोग को आना चाहिए अगर आप लोग ने पहले का सब वीडियो देखा है तो. आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स का टाइम, थिंक फॉर योर सेल्फ एंड कीप योर आंसर्स रेडी. फिर मैं आपको पूछेगा, एनी वन हु इज रेडी जस्ट रेज योर हैंड, दैट्स इट. ठीक है, 2 मिनट्स टाइम स्टार्ट. फाइन, एनी वन रेडी विद द आंसर, एनी वन, एनी स्टूडेंट हू, सर बोल, हर्ष बोल बोल. सर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, ऐसा नहीं बोलने का हमेशा. विच अकाउंट इज डेबिटेड फर्स्ट बोलने का, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड सेकंड बोलने का. सो माय आंसर विल बी सर, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड नरेंद्र इज द गिवर. लेकिन नरेंद्र सर बिजनेसमैन है, कैसे मालूम पड़ा बिजनेसमैन है? अरे उसने ही बिजनेस चालू किया ना, जो बिजनेस चालू करते हैं वही बिजनेसमैन है. तो नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, तो सर कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. नरेंद्र इज द गिवर, लेकिन हम लोग नरेंद्र नाम नहीं लिखेगा, कभी भी बिजनेसमैन पैसा देगा ना, वी विल ऑलवेज यूज द टर्म कैपिटल. और आपको मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ, शॉर्टकट, कभी भी वर्ड कैपिटल आएगा ना तो इसे आग बंद करके लिख देने का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. याद कैसे रखने का, ACC, सी कैपिटल सी क्रेडिट. तो इसको लिखेंगे कैसे, मैंने आपको कैसे बताया था जर्नल में कैसे पोस्ट करना रहता है, ऑलवेज फर्स्ट राइट द अकाउंट दैट इज डेबिटेड. तो पहला डेट के कॉलम में आई विल राइट अप्रैल 1 एंड द अकाउंट डेबिटेड इज कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड डेबिट कॉलम में आई विल राइट 80,000. जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसके स्टार्टिंग में क्या लिखने का, यू विल ऑलवेज राइट द प्रीफिक्स 2. तो देखो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा 2 कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट कॉलम में आई विल राइट 80,000. खत्म हो गया मेरा जर्नल एंट्री. की और भी कुछ लिखना बाकी है इसके अंदर, नरेशन 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 लिखना बाकी है. तो नरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद बीइंग बीइंग, तो यहाँ पर मैं लिखेगा ब्रैकेट में बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड दिस इज माय फर्स्ट जर्नल एंट्री. समझा तुमको कैसे करना है, वेरी सिंपल. ठीक है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, सर कैश अकाउंट इज डेबिटेड and proprietor is the giver. So whenever proprietor is the giver, we will always use capital account. Yeah, I hope this is clear. Bharti, samajh mein aa raha hai? ठीक है, and उसके बाद में bracket में you will write the explanation to the transaction and the explanation always starts with being. So you will write being started business with cash. Any doubt, my dear students? पूछो. In case, हाँ बोल. वो DR क्यों लिखते हैं ऐसा? वो DR is the shortcut of debit. अभी मैं तुमको एक question देता हूँ, एक मस्त वाला चीज. ठीक है, आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ. ये है ना, आपको घर में अगर कोई पढ़ा लिखा रहेगा ना फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, उसको जरा पूछना, फिर वो पेरेंट रहे, भाई बहन रहे, कोई भी रहे. देखो मैं आपको पूछता हूँ, मैं आपको ये बताया होगा कि नहीं मुझे याद नहीं, बट स्टिल देखो सर, डेबिट का स्पेलिंग तो DEBIT है लेकिन हम लोग लिखते DR है, क्रेडिट का स्पेलिंग CREDIT है लेकिन हम लोग लिखते CR है. तो ये तो मैं समझ गया सर, CR सेम सेम. तो डेबिट का तो DE आता है ना सर, तो ये DR कैसे लिखते हैं आप लोग? प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, फिर ऐसा क्यों लिखते हैं DR? ये तुम्हें ना CA लेवल का स्टूडेंट लोगों को पूछो, उन लोगों को भी अडल लोगों को आता नहीं. बोलो क्यों लिखते हैं ऐसा, मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं. याद रखो हमेशा के लिए याद रखो, ये जो DR है ना, DR, ये जो DR है ना, DR stands for डेबिट रिकॉर्ड एंड CR stands for क्रेडिट रिकॉर्ड. ये वाला R नहीं है उसका, वो क्रेडिट रिकॉर्ड है. अभी यही क्वेश्चन है ना, आप लोग ये याद रखना, और आपके घर में अगर कोई कॉमर्स लाइन से रहेगा ना तो उसको पूछना, अगर वो मेरा स्टूडेंट रहेगा ना जवाब देगा, मेरा स्टूडेंट नहीं रहेगा तो नहीं बोलेगा. उसको पूछो डेबिट का स्पेलिंग तो DEBIT आता है तो हम लोग DR क्यों लिखते हैं, क्रेडिट का तो मैं समझ सकता, ऐसा पूछने का तो लोग कंफ्यूज होते हैं. क्रेडिट का तो CR सेम, जबकि वो CR नहीं है. तुमको मालूम है क्रेडिट का फुल फॉर्म क्या है, CR का फुल फॉर्म क्या है? अरे बोलो, CR का क्रेडिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड. एंड DR का फुल फॉर्म क्या है? डेबिट रिकॉर्ड. ठीक है, अभी ये उसका शॉर्टकट रहता है, लेकिन हम लोग है ना हमेशा शॉर्टकट ही लिखेंगे. देखो ये DR ही लिखेंगे हम लोग, पूरा डेबिट नहीं लिखा जाता है.
वो उसका तरीका है लिखने का। तो मेरा फर्स्ट एंट्री खत्म, आप लोग का हो गया फर्स्ट एंट्री लिख के? अरे नहीं हुआ, अरे लिखो ना, लिखो लिखो लिखो, ठीक है। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब एक किरण को हमने पैसा दिया नहीं, उसको बोला किरण तेरे को पैसा बाद में देंगे, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम किरण रुपीज 40,000 ऑन क्रेडिट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, थिंक फॉर योर सेल्फ एंड गेट मी द आंसर कि सर दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एवरी वन, सब लोग सोचो, बोलो एनी वन वुड लाइक टू ट्राई। सर मैं जो ए आर स्वरूप टाइम प्लीज। हाँ जो बोल, अरे जो बोलना, हेलो जो, हेलो जो, यस सर। अरे सर नेट का थोड़ा इशू हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नेट कितना लोग मानते हैं सर जो करेक्ट बोल रहे? गिव मी अ थम्स अप। करेक्ट है सर, करेक्ट। अरे गिव मी अ थम्स अप सर, परचेस अकाउंट डेबिट होएगा, ठीक है। फॉर ऑल स्टूडेंट्स एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, कभी भी आप गुड्स परचेस करोगे ना, गुड्स देखो ना यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिख रहा है परचेस गुड्स। व्हेनेवर गुड्स आर परचेस्ड आप यूज करोगे परचेसेस अकाउंट। एंड क्रेडिट मतलब पार्टी का नाम, हु इज द गिवर, किरण इज द गिवर। तो माय आंसर विल बी परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड किरण's अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नाउ माय क्वेश्चन इज सर विच अकाउंट डू वी राइट फर्स्ट? वी ऑलवेज राइट डेबिट अकाउंट, बट यहाँ पर देखो डेट अप्रैल 3, तो डेट का कॉलम में आई विल राइट अप्रैल 3 एंड देन आई विल राइट परचेसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेसेस अकाउंट डेबिट, डेबिट के कॉलम में 40,000 टू किरण अकाउंट एंड क्रेडिट के कॉलम में 40,000। यहाँ पर मेरा जर्नल एंट्री खत्म हुआ क्या? अरे बोलो यहाँ पर नो सर, नरेशन बाकी है। यहाँ पर नरेशन बाकी है, नरेशन में लिखेगा बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट। तो दिस इज माय सेकंड जर्नल एंट्री। डेट लिखो, जो अकाउंट डेबिट होता है उसको फर्स्ट लिखना, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके सामने 2 लिखो एंड क्रेडिट का कॉलम में उसका वैल्यू लिखो। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट। परचेसेस ये जो टर्म है ये हमेशा आपको यूज करना चाहिए व्हेन एवर गुड्स आर परचेस। गुड्स परचेस करोगे तो परचेसेस यूज करने, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट 40,000 अप्रैल 3। ठीक है, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड रेंट, पेड रेंट रुपीज 2,000। डेट इज 5th of April, पेड रेंट रुपीज 2,000। नाउ आई एम गिविंग यू ऑल 1 मिनट का टाइम, आई वांट एवरीबॉडी टू थिंक फॉर देमसेल्फ एंड गेट मी द आंसर। पेड रेंट रुपीज 2,000, पेड रेंट रुपीज 2,000, पेड रेंट रुपीज 2,000। देखो वेन एवर यू कम अक्रॉस द वर्ड पेड, पेड मतलब उसका मैंने पैसा दिया, मतलब मेरे पास से कैश गोज आउट। पेड रेंट मतलब कैश गोज आउट, गोज आउट फॉर व्हाट? फॉर रेंट। तो कैन एनीवन गिव मी द आंसर? प्रीतेश, प्रीतेश रुक है, प्रीतेश बोल, आंसर बोल। रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट सर। हाँ तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? सर रेंट अकाउंट सर। रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। तन्मय बराबर बोला क्या उसने? प्रीतेश ने बराबर बोला क्या तन्मय? ओके तन्मय मेरे को बता विच अकाउंट, विच अकाउंट हम लोग पहला कौन सा अकाउंट लिखेंगे तन्मय? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो रेंट अकाउंट पहला लिखेगा मैं। तो देखो इधर पहले डेट के कॉलम में अप्रैल 5 रेंट अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इन डेबिट कॉलम, 2 कैश अकाउंट एंड अमाउंट इन क्रेडिट कॉलम। खत्म हो गया मेरा एंट्री की और कुछ बाकी है? नरेशन बाकी है। तो नरेशन आपको बीइंग से स्टार्ट करना होता है, वो कुछ नहीं रहता, क्वेश्चन ही रहता है, बीइंग लिखने का और क्वेश्चन कॉपी करने का। इफ यू डोंट राइट नरेशन यू विल गेट 0, बट इफ यू राइट नरेशन एंड ऊपर का आपका एंट्री राइट है यू विल गेट फुल मार्क्स। तो बीइंग रेंट पेड इज योर आंसर। हर एक एंट्री के बाद एक एक लाइन छोड़ो, मतलब अभी नहीं छोड़ दिया रहेगा तो नेक्स्ट टाइम से छोड़ना। ये फर्स्ट एंट्री हो गया ना, नरेशन लिखने के बाद 1 लाइन लीव करने का, नेक्स्ट लिखने का, फिर 1 लाइन लीव करने का, नेक्स्ट लिखने का। अभी से करो अगर आप लोग ऐसे नहीं कर रहे थे तो। अप्रैल 5 हो गया हमारा,
डन लिख लिया सब लोग ने? हो गया तो एक थम्स अप प्लीज। डन सर, लिख लिया। बहुत इजी है बीके मानो, मैं आपको फुल मिल सकता है अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किया है, और इसलिए मैंने शुरू का सब लेक्चर है ना रिकॉर्डिंग पे रखा है, मतलब सब सुनो तुम लोग आराम से घर पे बैठे। डन डन, श्रुति का मोरे डन डन। ओके, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 10। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास रुपीज 5,500 ऑन क्रेडिट। आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स का टाइम। Think for yourself, everyone, you know, each and every student सोच सकते हो, it is very simple, ठीक है? Sold goods to Mr. Vikas rupees 5,500 on credit, 5,500 on credit, ठीक है? Ethan, would you like to try? Ethan? Yes sir. Sales account or Vikas account? Perfect. Which account will be debited? Vikas account. Vikas account will be debited because Vikas is the receiver. So date column, I will first write April 10. Vikas account debit 55,000. To sales account 55,000. And then there will be a narration. Narration will be being goods sold to Vikas on credit. Anyone has any doubt? So please pucho. First four transaction, any doubt? Next transaction. Arey dekho ye printing mistake. Please make it as 55,000. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 30,000। जीएसटी को है ना थोड़ा कैंसिल कर दो, जीएसटी वाला सम हम लोग लेटर स्टेज पे देखेंगे, फर्स्ट लेक्चर में जीएसटी नॉट रिक्वायर्ड। परचेज फर्नीचर रुपीज 30,000। आई एम गिविंग यूर 2 मिनट्स का टाइम, प्लीज थिंक फॉर योर सेल्फ एंड गेट मी द आंसर, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। 30,000, बोलो, एनीवन रेडी विद द आंसर? एनी न्यू कमर वुड लाइक टू आंसर? आसिया, वुड यू लाइक टू ट्राई? हाँ देखो, इधर है ना मिस्टेक करते हैं, अभी आसिया पढ़ो इधर, इधर किधर भी गुड्स दिखाई दे रहा है, गुड्स गुड्स वर्ड्स गुड्स दिख रहा है क्या? गुड्स गुड्स वो वर्ड यूज रहेगा ना उसी टाइम पे, यू शुड ऑलवेज यूज परचेसेस अकाउंट। यहाँ पर गुड्स वो टर्म इज नॉट यूज, तो यहाँ पर आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर कम्स इन टू द बिजनेस। समझा आसिया? समझ में मैं क्या बोला? देखो ऊपर का दोनों सम में ना, देखो दोनों सम ऑफिसो सम में जाते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर देखो गुड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर गुड्स लिखा हुआ है। व्हेनेवर गुड्स आर परचेस्ड आप परचेसेस यूज करोगे, लेकिन ये जो फर्नीचर है ना दिस इज फिक्स्ड असेट फॉर मी, तो आप जब भी फिक्स्ड असेट परचेस करोगे ना यू विल राइट फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड आपने पैसा दे दिया 30,000, तो कैश गोज आउट, तो माई आंसर विल बी सर फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हम लोग हमेशा फर्स्ट कौन सा लिखते हैं? आसिया बोलो, फर्स्ट कौन सा लिखना चाहिए? Which account we will be writing first? Debit वाला account we will write first. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा furniture account is debited. Next जब भी हम लोग credit का लिखते हैं, वो prefix क्या use करते हैं हम लोग credit में लिखने का time में? Two. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 cash account 30,000. खत्म हुआ क्या मेरा journal entry की और भी कुछ लिखना बाकी है? Narration. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा being furniture purchased. So this is my April 15 का transaction. Anyone has any doubt, sir, please let me know. Sir, वो मैं narration में ना सर, तेरा आवाज नहीं आ रहा है, तू एक मिनट रुक, आवाज जरा जोर से बात करना, माइक ना स्पीकर। हेलो सर। भाई ऐसा चिल्ला मत रे बाबा, हाँ बोल। हाँ, being furniture purchased with cash लिखा, चलेगा narration? हाँ हाँ चलेगा, narration कुछ भी चलेगा, लेकिन being से start कर लेगा, being furniture purchased for cash भी चलेगा। Thank you. Let's take up the next transaction. Next transaction is 18. Received a bearer check of rupees 25,000 from Mr. Vikas. Okay. Received a bearer check from Vikas. Now, what do you mean by a bearer check? Anyone from the crowd? Bearer check ka matlab kya hai? What is bearer? Bolo. Anyone? Bearer check. Ek minute. Aapko maalum hai check naam ka ek cheez hota hai? Yes, sir. अरे ओ गांव वालों, जंगल में रहते तुम लोग, चेक नाम का चीज बता। हाँ ओके, चलो बात करते हैं। हाँ सर, वो तो अगर आपने चेक देखा रहेगा ना, मैं आपको ना कुछ कुछ नया चीज सिखाता हूँ, ठीक है, जो आपको नहीं मालूम रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। चेक देखो,
ये तुम्हारा ऐसा चेक होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नाम लिखा रहता है, सपोज इधर मैं लिख रहा हूँ टू रोशन शेट्टी 1 करोड़ रुपया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे हंसता क्या, शर्म ना था तुमको, हंसता क्या तुम लोग, मेरे को 1 करोड़ रुपया दे रहा है अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जी ने मेरे को 1 करोड़ रुपया दिया, और यहाँ पर आगे लिखा रहता है और बेरर, ठीक है, और यहाँ पर डेट लिखा रहेगा। मैं तुमको ना कुछ कुछ चीजें पूछता हूँ वैसे ही, और मेरे को देखना है आप लोगों का नॉलेज का डेप्थ कितना है। अगर सपोज अमिताभ बच्चन जी ने ना मेरे को यहाँ पर दिया है 1 सितंबर का चेक, मेरे को बताओ मैं जो चेक है 1 सितंबर का, ये कब तक डिपॉजिट कर सकता हूँ बैंक में, कब तक? हाँ कितना मंथ? 3 मंथ्स तक। हाँ 3 मंथ्स तक मैं कभी भी डिपॉजिट कर सकता हूँ, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक है ना मैं कभी भी जाके चेक बैंक में डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी एग्जांपल मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुश हो गया मेरे को 1 करोड़ का चेक मिला है, यहाँ पर ऐसा वर्ड है और बेरर, ठीक है, मैं इतना खुश हो गया कि मैं तो ऐसा भागते भागते बैंक जा रहा था, और भागते भागते जाते समय ये चेक है ना मेरे जेब से नीचे गिर गया, और मेरे पीछे से ना हर्ष करण गुड़कर भाग भाग के आ रहा था, उसको मालूम है सर ना अभी मजाक मजाक में ना चेक गिरा देगा, तो पीछे से भाग भाग के आ रहा था, उसने फटक से 1 करोड़ का चेक उठाया और ये भागा अपने बैंक में, अपने बैंक में भागा, तो बैंक वाला क्या करेगा, मतलब आप जैसा उसको चेक ऐसा प्रेजेंट करोगे ना, वो लोग आपको सामने सामने कैश दे देगा, कितना कैश दे देगा, अब ये अमाउंट बड़ा है तो 1 करोड़ अमाउंट रहेगा तो उसको पूछेगा तेरा आईडी दिखा, ये दिखा, वो दिखा, सब टाइम पास, लेकिन छोटा अमाउंट रहेगा ना तो वो लोग कैश में दे देते हैं। तो ये वर्ड जो रहता है ना बेरर, बेरर ये है ना हमेशा कट करने का, ये जो वर्ड रहता है बेरर, इसको क्या करते हैं मन में लोग, नाम लिखने के बाद है ना इसको काट देते हैं, इसको काटने पे क्या होता है, जिसका नाम है ना उधर रोशन शेट्टी दिया है ना, तो वो रोशन शेट्टी के अकाउंट में ही जाएगा, मतलब वो रोशन शेट्टी नाम का इंसान ही जाके पैसा निकाल सकता है। बेरर मतलब जिसको मिला वो चेक उसका, जो तुम्हारा 10 रुपया का नोट रहता ना, 10 रुपीज, 100 रुपीज, एनी नोट, उसमें लिखा रहता है देखो और बेरर, और बेरर का मीनिंग होता है गांधी जी के बाजू में, हाँ बराबर, बापू के बाजू में लिखा रहता है और बेरर, और बेरर मतलब जिसके हाथ में वो नोट वो उसका। अभी एग्जाम्पल अर्ज करण गुटकर जा रहा था, उसके से 2000 रुपए गिर गया, मैं पीछे से भाग के उठा लिया, अभी वो किसका नोट हो गया, आपका सर, हाँ मेरा, अरे किसका भी, मतलब जिसके हाथ में उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, चुप रहे तू, और सुनो तो ये मतलब जिसका जिसके पास वो नोट हो गया वो उसका, बेरर मतलब जो उसका हाथ में है वो चीज उसका हो जाता है, तो क्या करने का, बेरर नाम कट कर देने का, ठीक है। तो व्हेनेवर बेरर चेक इज रिसीव्ड, व्हेनेवर बेरर चेक इज रिसीव्ड, आप हमेशा क्या ट्रीट करोगे मान में, कि आपको कैश ही मिल रहा है, व्हेनेवर बेरर चेक इज रिसीव्ड यू विल ऑलवेज ट्रीट इट एज कैश रिसीव्ड। इसका ना आगे मैं तुमको डिटेल में लिखाता हूँ, तो देखो रिसीव्ड बेरर चेक, इसको अंडरलाइन करो और उसके टकले पे लिखो रिसीव्ड कैश, तो यहाँ पर ऊपर तुम लिख सकते हैं रिसीव्ड बेरर चेक कैश रिसीव्ड, अभी यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग अंडरलाइन करके इसके सर पे लिखो कैश रिसीव्ड, बेरर चेक रिसीव्ड मतलब कैश रिसीव्ड। तो व्हेनेवर बेरर चेक इज रिसीव्ड इट कैन बी ट्रीटेड एज कैश, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर विकास, अभी ये विकास ने हमको कैश दिया है, तो कैश दिया है तो जर्नल एंट्री क्या आएगा आप लोग के हिसाब से, व्हाट कम्स इन, लक्ष्मी कम्स इन, मतलब कैश कम्स इन टू द बिजनेस, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं लिखेगा यहाँ पर सर कैश अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, कौन दे रहा है ये कैश, दे कौन रहा है, विकास, विकास, तो यहाँ पर आएगा टू विकास, because Vikas is the giver, being bearer check received from Vikas. रुको रुको लिखो मत, इसके पहले ना जरा 2-3 बातें और करते हैं, ये तो हो गया। आप लोग ने कभी देखा है by any chance, अगर आप लोग चेक वेक देखते हो तो यहाँ पर है ना, इधर लोग है ना ऐसे चेक में क्रॉस करते हैं, कुछ लोग क्रॉस करते हैं, कुछ लोग चेक के क्रॉस में ना ऐसा अकाउंट पे ही लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं मैं, क्या अकाउंट पे ई, क्या डिफरेंस है दोनों में, वाई क्रॉस वाई अकाउंट पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, एनीवन, सर वो शायद ना वो दो लाइन मारा है ना वो खुद के लिए रहेगा और वो दूसरे के अकाउंट में देने का, वो के लिए कैसा आएगा, अभी मैं सपोज इधर चेक लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं, सपोज रोशन शेट्टी को चेक मिला है 1 करोड़ का, अरे फिर आज तुम कम मजाक बना के रखा मेरा, ठीक है, रोशन शेट्टी को चेक मिला है 1 करोड़ का, अमिताभ बच्चन ने दिया हुआ है, ठीक है, केबीसी जीता है मैच सपोज, ठीक है, तो एक है क्रॉस चेक, दूसरा है अकाउंट पे चेक, दोनों में फर्क क्या रहेगा, आपको कौन सा देना चाहिए, सपोज आप लोग है ना मुझे चेक दे रहे हो, एग्जांपल क्लासेस का फीस का सर हम लोग,
चेक दे रहे हो, कमर्शियल चेक और एक पर्सनल चेक, वैसा कौन सा चेक? कमर्शियल चेक, अरे मतलब ऐसा और मेरे को ना 1 करोड़ रुपया डोनेशन देना है, डोनेशन, तो ये जो फर्स्ट चेक है ना, ये वो चेक का पिछवाड़ा है, पीछे साइड, एंड ये दूसरा चेक का, ये इसका, ये इसका। तो अगर सपोज मेरे को ये वाला 1 करोड़ का चेक मेरे को नहीं चाहिए, मैं ना सब गरीब बच्चों में दान करना चाहता हूँ, सब ऑर्फन का बच्चे लोग के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मन मैं इधर पीछे में लिखूंगा एंडोर्स टू, और जिसको मेरे को देने का, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बींग ह्यूमन, एग्जाम्पल बींग ह्यूमन को दे रहा हूँ, तो एंडोर्स टू बींग ह्यूमन, और मैं यहाँ पर अपना साइन मार दूंगा, तो ये चेक में भले ही नाम मेरा है लेकिन ये जाएगा किसके अकाउंट में, मान मैं क्या, बींग ह्यूमन के अकाउंट। लेकिन ये जो अकाउंट पे ही चेक है ना, इसका खासियत क्या रहता है कि यहाँ पर जिसका नाम मैंने लिखा है ये चेक उसी के अकाउंट में जाएगा, मतलब अगर यहाँ पर रोशन शेट्टी लिखा है और अकाउंट पे ही है ना, मतलब रोशन शेट्टी को अगर बीइंग ह्यूमन को चेक देना है तो तू दे, लेकिन सबसे पहले ये जो चेक है तेरे अकाउंट में डाल, तेरे अकाउंट में पैसा आएगा, उसके बाद तेरे को जिसको देने कहते, दोनों में फर्क है। फर्स्ट वाले में ना मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, अमिताभ बच्चन का अकाउंट से डायरेक्ट बीइंग ह्यूमन का अकाउंट में चला गया, समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और एक दूसरे केस में वो अकाउंट में मेरा पैसा आएगा, फिर उसके बाद मुझे जिसको देना है मैं दे सकता हूँ। एग्जाम्पल, आप लोग ने मेरे को चेक दिया है, खाली क्रॉस किया है, और मेरे को सपोज मेरे को ना रेंट पे करने का था क्लासेस का, तो मैं वही चेक में ना डायरेक्ट पीछे लिखेगा एंडोर्स टू, ओनर का नाम लिख देगा, ओनर को दे देगा, तो वो चेक जब तुम्हारे बैंक में तुम चेक करेगा ना कि रोशन सर को मिला है क्या, उधर रोशन सर नाम नहीं आएगा, उधर क्या आएगा, वो जो ओनर है ना उनका नाम आएगा। कुछ भी समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं आप लोग लाइफ में ना कभी भी चेक दोगे ना, तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो यहाँ पर और बेरर को कट करना चाहिए, एंड यहाँ पर हमेशा अकाउंट पे ही देना चाहिए, हमेशा अकाउंट पे, मतलब दो क्रॉस लाइन मारने का, एनओ लाइन के बीच में लिखने का अकाउंट पे, अकाउंट पे बटन नहीं, छोटा लिखने का, वो बटन नहीं फिट होगा ना, छोटा लिखने का, अकाउंट पे, तो छोटा इसमें लिखने का अकाउंट पे, और अकाउंट पे ही चेक देने का, किसको भी दो, आप मुझे दो, किसी और को दो, तो वो लोग है ना चेक एंडोर्स नहीं कर सकते। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सर, पहली बात तो लोगों को मालूम ही नहीं कि तुम चेक एंडोर्स कर सकते। भाई मेरे को बताओ, इधर 35 स्टूडेंट है, किसको भी मालूम था तुम्हारे नाम का दिया हुआ चेक और को दे सकते नहीं, 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 तो तुम्हारा चेक एंडोर्स होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं ना कि ऐसा कुछ कर सकता। लेकिन स्टिल टू बी ऑनर सेफर साइड अगर कोई रहेगा जो उसको मालूम है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, तो वो तुम्हारा चेक घुमा सकता है। दूसरा, तुमको हमें चेक बाउंस होता है, बाउंस मतलब कैसे, नीचे तो फटक से ऊपर उठता है, फिर बाउंस नहीं, सिर्फ पैसे के लिए बाउंस नहीं होता है, बहुत सारा चीजों के वजह से बाउंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, सामने से रोक दिया, हाँ सामने से चेक रोक दिया, तो तुम्हारा चेक क्लियर नहीं होगा, अकाउंट में पैसा ही नहीं है। एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में 1 रुपया था और मैंने ना किसी को 1 करोड़ का चेक लिख के दे दिया, तो जो बाउंस होगा ना बेचारा परेशान हो जाएगा, 1 रुपया इसके अकाउंट में 1 करोड़ का चेक देते। दूसरा, वर्ड्स में लिखा हुआ, वर्ड्स में जो लिखा है एंड जो अमाउंट में लिखा हुआ है वो फिगर आर नॉट मैचिंग, या साइन मैच नहीं हो रहा, या फिर वो स्टेल चेक हो गया। तुम बोले सर स्टेल चेक मतलब, स्टेल चेक मतलब, एग्जाम्पल मेरे को किसी ने ना 1 जनवरी 2020 को चेक दिया था, 1 जनवरी 2020, वो मैं अभी जाके September 8, आज क्या 8th है कि 7th है, 7th, तो September 7th को जाके ना मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ। तुमको लगेगा ये चेक क्लियर होएगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा, कुछ 3 महीने होगा, कब का डेट उसका, हो गया ना उसका, अरे समझता क्या, अरे देखो इट इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस, इट इज कॉमन सेंस, ठीक है। तो ये जो चेक रहेगा ना ये तुम्हारा 100% बाउंस ही होगा, तो बाउंस होने का देयर आर मेनी रीजन, रीजन वन सर अकाउंट में पैसा नहीं, आपको मालूम है अगर आप चेक बाउंस करेगा ना तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, वो पता है आपको, सर मैम ने बोला था, मैम ने बोला था, अच्छी बात है। अगर मैं भी बता रहा हूँ तुमको, क्रिमिनल ऑफेंस मतलब सपोज मैंने ना अर्ज करण उठकर चेक किया 1 रुपया का, मतलब 1 रुपया था अकाउंट में, उसको दिया 1 लाख रुपया, वो बाउंस हो गया, वो मेरे पे केस कर सकता है। लेकिन चेक बाउंस होना चाहिए, वो रीजन भी रहता है उसका, कौन सा रीजन रहना चाहिए, मैं इनसफिशियंट फंड, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं और फिर भी मैं चेक दे रहा, तो ही तुम केस कर सकते। लेकिन साइन मैच नहीं हो रहा है, वर्ड्स मैच नहीं हो रहा है, तो तुम केस नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया क्या तुमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, हाँ, तो ये ऐसा रहता है। तो देखो एक चेक के पीछे कितना सारा स्टोरी है। तो हम लोग ने क्या सीखा सर, हम लोग जब भी चेक देंगे वो चेक में अकाउंट पे ही लिखेंगे एंड बाद में बेरर कट कर देंगे, और बेरर कट कर देंगे।
ये याद रखने का लाइफ टाइम। मेरा क्वेश्चन था, एक मिनट, कौन है? हाँ भारती, भारती सर, अगर मेरा चेक समझो मैं दे रही हूँ किसी को, मेरे पास इनसफिशिएंट फंड या जो भी है, तो चेक देने का ही नहीं, नहीं सुनो तो, अगर वो बाउंस हो रहा है तो उससे मेरा बैंक रिकॉर्ड खराब हो सकता है क्या? हाँ होता ही है, 100% तेरा बैंक रिकॉर्ड खराब होता है। उसमें कैसे रहता है ना, अभी सपोज मेरे को आगे जाके लोन लेने का, लोन लेता है, मैं लोन बैंक से लोन लेता है, आप लोग कभी सुना है ऐसा, बैंक से लोन लिया जाता है? हाँ, तो बैंक से जब लोन लेता है ना, लोग यही सब चेक करते हैं कि पहला कभी चेक दिया हुआ बाउंस हुआ है क्या। तो उसमें एक सिबिल रिपोर्ट करके आता है। कौन सा रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, नाम है सिबिल रिपोर्ट, EIBIL। तो ये सिबिल रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट देखता है बैंक वाला, तुम्हारा इनकम देखता है, अगर लगा ना कि नहीं इसका कभी चेक बाउंस हुआ नहीं है, इसका पेमेंट एकदम क्लियर है, तो लोग तुमको डायरेक्ट लोन पास करते हैं। लेकिन अगर दिखा ना कि मतलब तुम्हारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में बार बार इसका लोन मतलब इसका चेक बाउंस हो रहा है, मतलब ये जब भी चेक देते हैं वो बाउंस होके वापिस आता है, मतलब सीधा कभी क्लियर हुआ ही नहीं, तो तेरे को लोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तेरा सिबिल रिपोर्ट खराब हो जाएगा। वो हर बैंक के पास रहता है उसका, तो इसके लिए नहीं देने का। और सामने वाला हटेला रहेगा ना, वो केस कर देगा डायरेक्ट, कोई बेचारा प्यार भरा इंसान रहेगा, वो बोलेगा आपका चेक बाउंस है, जरा पेमेंट कर दो। समझ में आ रहा तुमको? तो देखो ऐसा तुमको बहुत सारा चीज सीखने मिलेगा, लेकिन ये अभी पढ़ाई के हिसाब से मत लो कि मेरा पढ़ाई है, एक जनरल नॉलेज है। तो हम लोग ने क्या सीखा, सिंपल चीज सीखा सर, हम लोग जब भी चेक देंगे इट विल ऑलवेज बी अकाउंट पे, आज से स्टार्ट करने का। मतलब बाय चांस तुम आज ही किसी को चेक दे रहे हो ना, हमेशा अकाउंट पे ही रहना चाहिए। तुम सोसाइटी को भी देता रहेगा ना, सोसाइटी मेंटेनेंस करते हो, देखो हमेशा यू राइट अकाउंट पे, आदत ही कर दो अकाउंट पे एंड बैरर काटने का। सुना क्या हो माय डियर गांव वालों? हां सर। ओके सुपर, तो बहुत भाषण हो गया, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट देखो, पे टू सर, वो लिखने दो तो सर। अरे लिखा नहीं, ओ लिखो जी। नहीं सर। हां लिखो, सम नंबर 21, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक। हम लोगों ने किरण को है ना चेक दिया 20,000 का, बताओ मेरे को हु इज द रिसीवर। देखो ऐसा चेक, ये चेक है, ये मैंने किरण को दिया, किरण ले, हु इज द रिसीवर? और ये बोलो किरण इज द रिसीवर, तो किरण अकाउंट विल बी डेबिटेड। पैसा कहाँ से जाएगा, पैसा कहाँ से जाएगा? देना बैंक से। देना बैंक से जाएगा, तो बैंक इज द गिवर, तो मेरा जर्नल एंट्री विल बी, मेरा जर्नल एंट्री दे दी किरण्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज किरण इज द रिसीवर, टू देना बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक इज द गिवर, बीइंग पेड टू किरण बाय चेक। अभी आप बोलोगे सर इसमें कैश क्यों नहीं आया? कैश कब आएगा? कैश तब आएगा जब आपको वहां पर वर्ड रहेगा रिसीव्ड अ बेरर चेक। यहाँ पर रिसीव्ड है? नहीं। यहाँ पर बेरर चेक है? नहीं। तो यहाँ पर कैश नहीं आएगा। कॉमन सेंस है ना, आप चेक दोगे तो आपका पैसा जाएगा कहाँ से? बैंक से जाएगा हमेशा। अरे समझ में आ रहा है पूर्वा? मालूम पड़ रहा है क्या आ रहा है? वेरी गुड पूर्वा। सर एक डाउट है, बोल ना। वो पर्टिकुलर में राइट हैंड साइड में डीआर लिखा है ना डॉक्टर? हाँ 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 हाँ, वो डीआर का मतलब है डेबिट, डेबिट, डीआर का मतलब है डेबिट। देखो इसमें कैसा है मैं तेरे को बता देता हूँ, ये जो डीआर है ना, ये डीआर स्टैंड्स फॉर डेबिट। तो तेरे मन में आएगा सर सीआर क्यों नहीं लिखा? सीआर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हम लोग टू लिखते हैं, टू मतलब क्रेडिट रहता है, टू इंडिकेट्स क्रेडिट। अभी ऐसा क्यों लिखा जाता है ना, इसका भी मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा, थोड़ा वक्त जाने दो फिर मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्यों लिखा जाता है। ये डीआर स्टैंड्स फॉर डेबिट। ऐसा कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग बिंदास पूछ सकते हो। त्रिशा समझ में आ रहा है? त्रिशा बोलो। अरे करण गुप्ता तू क्या हर चीज में बोलने का कसम का क्या है सर? बोल बोल सर। एक पेज फुल हो गया अभी, सेकंड पेज पे वो डेट क्या 2019 लिखना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं जरूरत नहीं, डायरेक्ट अप्रैल से सर। डाउट तो अच्छा डाउट था ये भी। हाँ वेरी गुड डाउट। चलो नेक्स्ट 30th, पेड सैलरी ₹5,000। चलो बोलो मेरे को क्या आंसर आएगा? पेड सैलरी अकाउंट डेबिट आएगा। अरे कोई नया जन, अरे प्रीतेश ही कितना बोलेगा, ये प्रीतेश है, करण गुप्ता, जानवी, ए भारती, रुक टाइम प्लीज, जानवी बोल, जानवी, अरे बोल तो सही जानवी। देख तुम लोग आंसर नहीं दे रहे, रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारा मम्मी पापा भी देखेगा कि मेरी बेटी को पूछ रहे लेकिन लोग जवाब नहीं दे रहे। हाँ बोल जानवी, गंगन बोल, चल कौन सा वाला? पेड सैलरी ना? हाँ पेड सैलरी 5,000। पेड मतलब कैश गोज आउट, ठीक है? तो एक तो है कैश अकाउंट, दूसरा क्या दिया तूने? सैलरी दिया ना, सैलरी। तो सेकंड अकाउंट कौन सा रहेगा? कैश। अरे एक तो कैश हो गया, और कौन सा?
और सैलरी सैलरी कैश और सैलरी वेरी गुड बताओ मेरे को विच अकाउंट विल बी डेबिटेड चेतन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड तेरे हिसाब से चेतन सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड मेरा आंसर विल बी अप्रैल 30 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड नरेशन आएगा बीइंग पेड फॉर सैलरी लिखा ये समझ में आ गया तुमको सैलरी इज माय एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट ठीक है वेरी सिंपल यस सर वेरी गुड ये सम कंप्लीट हो जाएगा ना ये हो गया सम कंप्लीट लास्ट में आपको करना होता है टोटलिंग आपको करना होता है डेबिट साइड का टोटलिंग एंड क्रेडिट साइड का टोटलिंग एंड टोटलिंग हमेशा लिखा जाता है दो लाइंस के बीच में देखो जरा ध्यान से दिख रहा है आपको लाइन दिख रहा है लाइन देखो लाइन दिखा आपको कैसे मारा नीचे 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 लाइन चेक करो देखो वहां पर एक लाइन ऊपर नीचे डबल अंडर लाइन फिर आप लोग है ना पूरा इसका टोटल मारोगे अभी एक काम करो आप लोग डेबिट का टोटल मारो मैं क्रेडिट का टोटल मारता हूँ ठीक है मारो डेबिट का टोटल भी आएगा सर हाँ ओके मारो 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 चेक कर लो फटाफट बताओ तुम लोग डेबिट बताओ मैं क्रेडिट बोलता हूँ सर वो 5,500 को 55,000 ही रखूँ ना हाँ 55 रख ये जो 2,57,000 है ना ये जो टोटलिंग है टोटलिंग अरे 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 नो 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 बैक ये जो टोटलिंग है दिस टोटलिंग इज आल्सो नोन एज कास्टिंग क्या बोलते हैं उसको कास्टिंग 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 एंड टोटलिंग आर वन एंड द सेम रिश्ता वही सोच नहीं ठीक है अगर मैं आपको कास्टिंग बोलूं या मैं टोटलिंग बोलूं वही है कल उठ के ना एग्जाम में तुमको टीचर बोलेगा कास्टिंग करो तो तुम बोल नहीं सकते हो जाड़े ने हमको सिखाया नहीं था मैं सब सिखा रहा हूँ तुमको ठीक है कास्टिंग एंड टोटलिंग आर वन एंड द सेम आज के बाद जो भी लेक्चर में आगे आएगा ना मैं आपको बोलेगा ही नहीं टोटलिंग करो मैं आपको बोलेगा कास्टिंग करो तभी किसी ने ए किया ना तुमका जब अंदर इसका अंदर कुछ के टपली मारेगा कास्टिंग मतलब टोटलिंग सुना सब लोग ने मैं क्या बोल रहा हूँ तनिष का सुनी कि नहीं तनिष का कास्टिंग मतलब तनिष का कास्टिंग मतलब टोटलिंग टोटलिंग वेरी गुड तो ये याद रखो कास्टिंग मीन्स टोटलिंग डन 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 ओके तो मैं आपको जैसे बोला कि चेक से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा तो तुमको अभी समझा देता हूँ ठीक है देखो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको सीखना चाहिए नाउ व्हाट आर द फ्यू थिंग्स सर तो टाइम प्लीज आगे कुछ सीखो मत आगे देखो क्या हुआ सर क्या हुआ तेरे को सर वो टोटल इधर लिखने का ना लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स में दोनों पर्टिकुलर में नहीं लिखने का है स्क्रीन पे देखना कहाँ लिखा है इधर लिखा टोटल अरे ऐसा क्या कर रहा है अरे सर वो टोटल वो कुछ नया सीखते हैं कि ट्रांजैक्शन में हाउ टू आइडेंटिफाई ठीक है कि वो सर कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कैश मतलब उधर पेमेंट किया हमने कि हमने पेमेंट नहीं किया तो एक चार्ट है आप लोग के लिए ठीक है When information of cash and credit transaction is given in the question, there can be two possibilities. When information is clearly mentioned and when information is not given. जब भी आपको information दिया रहेगा question में ठीक है Information दिया रहेगा you have to follow it. अगर बोल रहा है paid मतलब it is cash transaction. अगर बोल रहा है on credit मतलब वो credit transaction है तो whenever information is given in the question, you have to follow it. Next sir, information नहीं दिया हुआ है Information नहीं दिया रहेगा तो इफ नेम ऑफ पार्टी इज नॉट गिवन देयर बी टू पॉसिबिलिटीज सर नाम भी नहीं दिया है और नाम दिया हुआ है अगर नाम नहीं दिया है देन इट इज कैश ट्रांजैक्शन अगर नाम दिया हुआ है देन इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन अभी आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया लेट अस टेक एन एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ गुड्स परचेज फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी रुपीज 10,000 मुझे बताओ इज इट कैश ट्रांजैक्शन की इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी अरे रुको कैश ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी रुपीज 30,000 सोच के जवाब दो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट कैश में किधर भी बोला मैं अमाउंट पेड बोल के कैश ट्रांजैक्शन अरे अमाउंट पेड करके किधर भी बोला क्या नहीं मैं सिर्फ बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन व्हाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिकॉज सर गुड्स परचेज एंड कैश इज नॉट पेड कहा बोला कैश पेड नहीं बोला पार्टी का नाम देकर रखा है महेंद्र सिंह धोनी बोला है
मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन था गुड्स परचेज फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी ₹30,000. तो कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. देखो एक और एग्जाम्पल, ये लास्ट सम हमने किया था ना, लास्ट सम ये देखो, यहाँ पर देखो परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000. अगर ये ऑन क्रेडिट नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? सोच के जवाब देना. परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000, किधर भी सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या कि कैश दिया, चेक दिया, ऐसा किधर भी लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है. एंड पार्टी का नाम भी देके रखा है, इट इज ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. अगर कैश रहेगा ना, वहां पर मेंशन रहेगा वर्ड कि आपने पे किया है, आपने कैश दिया है, आपने चेक दिया है, आपने गूगल पे किया है, आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है. कैश ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है कि आपने ऑन द स्पॉट पेमेंट किया है. अभी आप वो पेमेंट कैसे भी करो, कैश से करो, गूगल पे करो, इट इज ऑल कैश ट्रांजेक्शन. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं ना गया डोमिनोज पिज्जा लेने, डोमिनोज में, तो पिज्जा लेने का टाइम पे मैंने उनको बोला पिज्जा दो, मैं लिया और उनको पेटीएम कर दिया. तो मुझे बताओ इज इट अ कैश ट्रांजेक्शन की क्रेडिट ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन. अभी कैश ट्रांजेक्शन डज नॉट मीन की असली मेरे पास से कैश जा रहा है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा हूँ, मीन्स कैश ट्रांजेक्शन. अरे समझ में आया क्या माय डियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये जो चार्ट आपके सामने है ना, जरा वो चार्ट को प्लीज जरा बुक में लिख के रखो ना, ये तुमको फ्यूचर में काम आएगा. ठीक है, ट्रांजेक्शन में देर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, टेक अ फ्रेश पेज एंड इसको अच्छे से लिख के रखो. इफ नेम ऑफ पार्टी इज नॉट गिवन, कैश ट्रांजेक्शन. इफ नेम ऑफ पार्टी इज गिवन, देन इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. लिख लो इसको. ठीक है, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तुम्हारा सम है, क्वेश्चन वन पेज नंबर 84. ये आ गया मैं क्वेश्चन वन पेज नंबर 84. सबको मिला गया क्वेश्चन वन पेज नंबर 84? आया सब लोग टेक्स्ट बुक में? जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आपके स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक, टेंशन मत लो. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट. ओके, कौन सा ईयर है? क्वेश्चन देके बताओ मुझे ईयर कौन सा है. ईयर अरे बोलो, 2019. Year is 2019. And month कौन सा है? Month, which month? April. April. तो April month का सम है. तो फटाफट लाइन मार लो, लाइन मार लो. टू पेजेस, देखो ये लाइन तुम्हारे सामने, फटाफट लाइन मार के रखो. टू पेजेस, क्वेश्चन वन पेज नंबर 84. मेरा आदत है ऐसा क्वेश्चन नंबर लिखने का और पेज नंबर लिखने का, ताकि बाद में मैं जब ढूंढू तो मुझे वो क्लियरली फटक से मिल जाए. अगेन टू पेजेस का लाइन मारो. डेबिट रुपीस का ये नया वाला साइन प्लीज, ठीक है, आरएस मत लिखना. एंड दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है, आई एम गिविंग यू लाइक 5 मिनट का टाइम. फटाफट लाइन मारो एंड देन वी विल सॉल्व दिस सम टुगेदर. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑन पेज नंबर 84. तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट. तो ये मैंने बना दिया है आनंद जनरल मर्चेंट का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट. Okay, let's start with the first transaction. So transaction चालू करने से पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा 2019. The first transaction on my screen, April 1, Mr. Anand started business with cash ₹60,000. So Mr. Anand started business with cash. So business में क्या आ रहा है? What comes into the business? Cash comes into the business. So cash account will be debited. Who is the giver? Who is the giver? Mr. Anand is the giver. Now, Anand is the businessman himself. He is the proprietor. So, proprietor is the giver. So, tum log, you will always use which account? Capital account. Perfect. So, my answer will be cash account debit 60,000 to capital account 60,000. And narration will be being started business with cash. Clear? Ruko, please don't write. Ruko, na, hum log pehla char karte, fir aap log charo saath mein likhna. Next transaction. Transaction number 2. ठीक है, on April 5 purchase goods for cash ₹30,000. Purchase goods for cash ₹30,000. बोलो क्या लगता है आपको, क्या आना चाहिए? Purchases account or cash account? Brilliant. Purchases account and cash. So purchases account will be debited and cash account will be credited. So my answer will be April 5, purchases accounts are debit to cash account being goods purchased. Clear? Idhar tak clear sabko? Clear? Yes sir. Fine.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज डोंट राइट मैं तुमको लिखने का मौका दूंगा ट्राई मत करो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू सुरेश देखो नाउ माय क्वेश्चन इज पहला मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो फर्स्ट मेरे को बताओ आइडेंटिफाई वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज अ कैश ट्रांजेक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन थिंक एंड देन आंसर It is a credit transaction. Perfect. Because nowhere in the sentence they have mentioned that you have paid anything. So it is credit transaction. Credit mein mereko hamesha party ka naam chahiye. Who is the party that transacts? Suresh. So sold goods to Suresh. Matlab hum log goods Suresh ko bech rahe hain. So who is the receiver? Suresh is the receiver. And sales is my income. So mera entry will be Suresh account will be debited to sales account. And narration will be being goods sold to Suresh on credit. So Suresh account will be debited, sales account will be credited. Clear? My dear students, clear? Sabko yes, sir. Okay. So next transaction. Transaction dated 10th of April. Purchased furniture from Mr. Govind on credit. Dekho, it is clearly mentioned on credit, then follow it. So purchased furniture from Mr. Govind on credit rupees 30,000. So what comes into the business? Furniture. Bolo, what comes into the business? Furniture. मैंने cash दिया क्या? Cash दिया? नहीं, cash नहीं दिया. नहीं. Credit है मतलब cash नहीं दिया मैं. तो Govind is the giver. तो मेरा answer will be furniture account will be debited because furniture comes into the business and Govind is the giver. तो Govind's account will be credited. Clear? सबको समझ में आया इधर तक एनी डाउट पक्का समझ में आया सबको लिख लो ना इतना लिख के रखो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं लिख लो ठीक है चलो आगे का सॉल्व करते हैं लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फर्स्ट फॉर हमारा हो गया देखो ट्रांजेक्शन डेटेड 15 पेड फॉर रेंट रुपीज 3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड चलो डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट किया रेंट का तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे टू रेंट इज माई एक्सपेंस तो डेबिट हो गया सर टू क्या लिखोगे पैसा नहीं नहीं आप कभी भी शॉपिंग करने गए तुम लोग शॉपिंग करने गए बाय एनी चांस शॉपिंग करने का डेबिट कार्ड लेके गए डेबिट कार्ड आप लोग कभी कार्ड से पेमेंट देखा है अरे हाँ भाई सेठ आदमी मेरा बात सुनो डेबिट कार्ड लेके जाते ना तुम लोग स्वाइप मारते ना तो पैसा कहाँ से जाता है बैंक से अरे बोलो डेबिट बैंक अकाउंट से तो यहाँ पर मेरा आंसर विल बी रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट बिकॉज बैंक इज द गिवर तो रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड आप डेबिट कार्ड यूज करो क्रेडिट कार्ड यूज करो गूगल पे यूज करो आपका बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अभी यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता था ना पेड रेंट बाय यूजिंग गूगल पे तो तुम्हारा एंट्री क्या होता गूगल पे से पेमेंट किया तो एंट्री क्या रहेगा सो बैंक अकाउंट ही रहेगा ना रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अरे आपको समझ में आ रहा है क्या सबको क्या हो रहा है कुछ डाउट रहे प्लीज पूछो रिपीट करो ना एक बार प्लीज अरे तू डेबिट कार्ड से पेमेंट किया ना अर्ज डेबिट कार्ड से पेमेंट किया तो उसका मतलब क्या हो गया पैसा कहाँ से जा रहा है तू कार्ड से पेमेंट कर तो पैसा कहाँ से जाता है बैंक से जाता है ना तो बैंक से पेमेंट गया तो बैंक इज द गिवर इसके लिए मैंने टू बैंक अकाउंट लिखा अच्छा सर ऐसा डेबिट क्रेडिट दोनों आएगा तो बैंक ही लिखने का डेबिट क्रेडिट दोनों आएगा तो नहीं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आएगा तो हां 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 वही वही हां सोच ना तू सोच दिमाग लगा ना कार्ड से पेमेंट किया मतलब बैंक से पैसा क्या सर तो बैंक इज द गिवर ठीक है अरे रुको इसमें भी बाद में एक साथ कॉपी मारना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं देखो 21 परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला On credit rupees 70,000. देखो word देखो इधर purchase goods from Urmila. देखो on credit मतलब पैसा तो हमने दिया नहीं. तो बताओ मुझे कौन बताएगा answer क्या आएगा? Anyone would like to try? So purchase account. हाँ purchases account debit. हाँ he complete कर. Purchase account debit. He two क्या आएगा? Urmila. Very good. Urmila's account 70,000. Being goods purchased from Urmila on credit because Urmila is the giver. So purchases account debit to Urmila. Simple answer. Anyone has any doubt in this transaction? अरे don't write. बाद में लिखो ना एक साथ. क्यों गाय करो? गाय मत करो. मेरे को first आने का. ठीक है? आगे करते हैं.
27 paid for transport rupees 1000 to United Transport. Paid for transport rupees 1000 to United Transport. तो इसका entry आएगा क्या बोलो? Sir, cash transport account debit आएगा और to United Transport credit. Wrong. अरे transport credit debit आएगा. हाँ to United cash. Wrong. हाँ to cash कौन बोला? हाँ त्रिशा ट्राई. Paid transport for rupees 1000 to United Transport. So transport, so it will be cash account and there will be United Transport account. Okay, Trisha is of the opinion ki cash account, United Transport account. Anyone else with any other answer? Sir, transport account or cash account rahega? Transport account or cash account? Or koi with any other answer? Shreya, kya lagta hai? Kya answer aana chahiye? Shreya. कैश और दूसरा क्या? आवाज नहीं आया श्रेया. यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट. देखो यही मिस्टेक है ना स्टूडेंट लोग करते हैं. अभी मेरा आंसर सुनो ध्यान से. मेरा आंसर आएगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड. अभी आप लोग का सवाल आएगा कि सर, अभी आप लोग का ऐसा मन में आएगा कि सर यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं आया? आ सकता है ना ऐसा दिल में. देखो यहाँ पर पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ वो सब में क्या क्या चीज है. देखो यहाँ पर वर्ड है पेड. ये पेड हो गया तो इतना तो मैं समझ गया टू कैश अकाउंट आएगा बिकॉज कैश गोज आउट. नाउ माय क्वेश्चन इज कि सर मैं यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को डेबिट करूँ कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को डेबिट करूँ? ठीक है, देखो यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट पार्टी का नाम है. मैं पार्टी का नाम तब लिखूंगा व्हेन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इज दिस अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? नो, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पूछेगा ना व्हाई एम आई पेइंग टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस तो मेरा आंसर आता है. देखो ना व्हाई, तो ये व्हाई का क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, तो यहाँ पर मैं लिखेगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट नहीं लिखेगा मैं बिकॉज इट इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आई विल राइट द नेम ऑफ द पार्टी. ये जो है ना ये कंपनी का नाम है तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट है ना कब आएगा? व्हेन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. यहाँ पर इट इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ये मिस्टेक करते हैं लोग, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए. ठीक है, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट मेरा आंसर विल बी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश तो कंफर्म आएगा क्योंकि वर्ड वहां पर बोला हुआ है पेड. अरे सबको समझा क्या हो रहा है? पक्का? चलो 50% राइट था ना सर. मैं 50% राइट 50% ऐसा राइट नहीं होता, या तो फुल राइट रहता है या तो फुल रॉन्ग होता है. ये 30th वाला ना इम्पोर्टेंट. चलो मैं तुमको ना 3 मिनट का टाइम देता है, इसका आंसर मेरे को निकाल के दो. पेड टू उर्मिला रुपीज 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला. भाई मैं तुमका ना हाफ हेल्प करता हूँ. हाफ है. देखो पेड तो सर टू कैश. ठीक है, ये मैं समझ गया सर, कैश जा रहा है. डेबिट किसको करूँ? ठीक है, आई एम गिविंग ऑल एक 10 मिनट्स का टाइम. नहीं, नॉट 10 मिनट, 5 मिनट का टाइम. थिंक एंड गेट मी द आंसर विद रीजन कि सर ये ऐसे ऐसा होना चाहिए. चलो लेट्स सी हाउ वेल यू थिंक. बताओ मुझे क्या आंसर लगता है तुमको सर? उर्मिला. ना दो ही लड़की हो गए, एक उर्मिला है दूसरी शर्मिला है. अभी आधा पार्टी उर्मिला के नाम पे रहेगा, आधा पार्टी शर्मिला के नाम पे रहेगा. अभी बताओ कितना लोग उर्मिला है इधर? कम सर, हम लोग सब उर्मिला का टीम सर. ओके, कितना लोग शर्मिला है? अभी शर्मिला वाले. ओके, और बाकी लोग नो कमेंट. आधा लोग ऐसा, हमको सर कोई नहीं चाहिए, हम अपना नाम लिखेंगे. अरे अरे समझो, अभी मेरे को ये उर्मिला वाले जरा समझाओ उर्मिला क्यों. सर उर्मिला रिसीवर है ना? उर्मिला रिसीवर है. ओके ठीक है, उर्मिला रिसीवर. और ये जो शर्मिला वाले, शर्मिला क्यों? सर शर्मिला होना चाहिए क्योंकि उर्मिला उसके बिहाफ पे ले रही है सर. देखिए तो शर्मिला ही है. शर्मिला तो पे करना चाहिए ना सर. क्या ये क्या बड़बड़ रही है भारती? प्रिंसेस का एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन था. तुम्हारा आंसर विल बी, सुनो मैं बताता हूं, मैं तुम टेंशन मत लो. मेरा आंसर विल बी शर्मिलाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तुम बोले सर शर्मिला का कैसा आएगा, मैं आपको बताता हूँ, आप टेंशन मत लो. ठीक है, तो शर्मिलाज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश. अभी आप बोलोगे लेकिन सर पेमेंट तो हम लोग उर्मिला को कर रहे हैं ना.
अरे एकदम कॉमन सेंस है, एकदम कॉमन सेंस। मैं आपको आइडिया देता हूँ। सपोज मैंने हर्ष करण गुटकर का ना ये टॉय का शॉप है, ठीक है, तो मैंने उसके पास से एक टॉय खरीदा था कभी तो पहले, मेरे को उसको 20,000 पेमेंट करने का था। अभी वो हर्ष करण गुटकर के बाजू में रहता है, एग्जाम्पल कौन कौन रहता है, एग्जाम्पल ये भारती बाजू में रहती है, तो मैंने वर्ष मेरे को क्या बोला कि सर आप भारती को पेमेंट कर दो, तो मैंने ना भारती को 20,000 पेमेंट किया, पेड टू भारती ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, मतलब मैंने भारती को पेमेंट किया। तो मैंने असली में पेमेंट किया किसको? हर्ष को सर। हर्ष को किया। कल उठ के हर्ष ऑफिस में बोल सकता है पैसा दो, टपली देगा उसको, पैसा थोड़ी देगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी चालू है, तेरे बोलने पे मैंने उसको पेमेंट किया ना, मतलब ऑन बिया शॉर्टकट बोलेगा ना, शॉर्टकट सर, शॉर्टकट में कैसे याद रखने का, कभी भी रहेगा ना ऑन बिया बॉफ, जो भी रहेगा ना ऑन बिया बॉफ उसका नाम लिख देने का, इधर ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। लेकिन समझने के लिए ऐसा फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने ना पिकनिक ऑर्गेनाइज किया है, अभी वैसे भी बहुत इरिटेट हो गया मैं घर पे बैठ बैठ के, मैं पिकनिक जाना चाहता हूँ, तो अभी क्या हो गया, लोग है ना पिकनिक का पैसा मेरे पास ला के दे रहे हैं। तो अभी सपोज अनुज है, अनुज और अनुज का दोस्त सपोज हीट एग्जाम्पल, ठीक है, तो हीट मेरे पास आया, बोला सर ये है ना अनुज का पैसा है 1200 रुपया, अनुज नहीं आ पाए, अनुज का पैसा 1200 रुपया, तो मैं क्या रिकॉर्ड करेगा, किसने मेरे को पैसा दिया? अनुज ने दिया। अनुज ने मेरे को पैसा दिया, हीट ने नहीं दिया। अरे समझते क्या तुम ऑन बिहाफ ऑफ का मीनिंग? यस सर। हेलो, समझ में आता है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं अभी सपोज त्रिशा मेरे को अचानक मिली रास्ते में, तो मेरे को जो ने बोला था सर आपको जब भी त्रिशा मिलेगी ना तो त्रिशा को आप मेरे तरफ से 3000 रुपया दे दो, तो मैंने त्रिशा को है ना 3000 दिया, तो इसका मतलब मैंने पेमेंट एक्चुअली किसको किया? जो को किया। खाली मैं दे त्रिशा को रहा हूँ लेकिन मेरा पेमेंट जो को हो गया। अभी लेने करेगा तो मैं जो से पैसा लेगा, त्रिशा से नहीं। अरे ओ माय डियर, समझते क्या तुमको दुनिया में हो क्या रहा है? हाँ, तो देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट एग्जाम में पास होने के लिए शॉर्टकट कैसा निकालू सर? ये ऑन बिहाफ ऑफ जो रहेगा ना उसका नाम लिख देने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का होता, लेकिन समझने के लिए उसका मीनिंग ऐसा रहता है। कुछ भी समझा तुमको क्या हो रहा है दुनिया में? पक्का? चलो समझा तो ना, समझा तो, रुको रुको ना, रुको ना, रुको ना, समझा तो, समझा तो, समझा तो ना। एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज ऐसा था, अगर मैं आपको बोलता हूँ रिसीव्ड कैश फ्रॉम विराट कोहली ऑन बिहाफ ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि धोनी मेरा फेवरेट है, ठीक है, रिसीव्ड कैश सर मेरा फेवरेट है, अरे छुपना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम विराट कोहली ऑन बिहाफ ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, तो मेरे पास व्हाट कम्स इन? कैश। लक्ष्मी कम्स इन। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज द गिवर? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह ऑन बिहाफ ऑफ महेंद्र सिंह धोनी क्या आएगा? मतलब अभी विराट कोहली भले मेरे को कैश ला के दे रहे हैं लेकिन मैं क्या सोचेगा कि आप धोनी ने मेरे को पैसा दे दिया। अरे समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अरे मैं थक गया बोल बोल के। हाँ ओके, तो एक काम करो अभी है ना, देखो तो मेरा आंसर इज शर्मिलाज अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग कैश पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, एंड बाद में लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ तो एक वर्ड बोला था, कास्टिंग एंड टोटलिंग आर वन एंड द सेम, रिश्ता वही सोच नहीं, तो इसका टोटल में मैं तुमको हेल्प करता हूँ, इसका टोटल कम्स टू 2,24,000, ठीक है, राइट डाउन, लिख लो ये क्वेश्चन, एक मिनट लिख लो ये क्वेश्चन, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर बस तक गया ना तुम, ठीक है, ये सब रिकॉर्डिंग तुमको मिल जाएगा, तो आप लोग है ना ये घर पे बैठ के वापिस एक बार सुन सकते हो।